ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला प्रयास संख्या 131। मर्यादा लंघन लोक करे उपहास, इहा लोक पर लोक तुई है नाश। यदि कोई व्यक्ति शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन करता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं और इस तरह वह इस लोक तथा परलोक दोनों में विनष्ट हो जाता है। मर्यादा राखीले तुष्ट कैले मोर अमन, तुम्ही ऐसे ना करीले करे कौन जन। तुमने शिष्टाचार का पालन करके मेरे मन को तुष्ट किया है, तुम्हारे अतिरिक्त इस उदाहरण को कौन दिखलाएगा। तो हम लोग बहुत प्रयास करते हैं अपनी साधना भक्ति को अच्छा करने का, जिसमें हम लोग सवेरे जल्दी उठना, श्रवण कीर्तन, उस पर हमारा बहुत फोकस रहता है क्योंकि अक्सर चर्चाएं उसी पे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वैष्णव सदाचार शिष्टाचार बड़ा इम्पोर्टेंट है, वैष्णव के साथ हमारा व्यवहार इत्यादि। यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि तुमने इस शिष्टाचार का पालन करके मेरे मन को तुष्ट कर दिया है। तो ये एक ऐसा एरिया है जो अक्सर हम नहीं कर पाते हैं, वेरी डिफिकल्ट। हमारे बहुत बड़े बड़े प्रतिज्ञाएं हम ले लेते हैं अक्सर, एकादशी में, कार्तिक के महीने में, पुरुषोत्तम मास में बहुत मालाएं करते हैं लोग, हाँ, लेकिन इस शिष्टाचार पे हमारा अधिक फोकस नहीं जा पाता है। त्रिनाति भी सुनिश्चिन शिष्टाचार का एक लक्षण है, और ये श्लोक तो ये कहता है कि आप साधना भी तभी कर सकते हैं जब आप शिष्टाचार करेंगे, क्योंकि त्रिनाद्य भी सुनिचैन इत्यादि तब कीर्तनिया सदाहरी। तो आपको साधना करने के लिए भी शिष्टाचार की आवश्यकता है, क्योंकि शिष्टाचार से हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं, वैष्णवों की, अपने से सीनियर्स की, जूनियर्स की, सभी के मन को प्रसन्न कर पाते हैं, और सबके मन को प्रसन्न कर पाते हैं तो भगवान का मन प्रसन्न होता है। इसलिए हम कहते हैं भक्त्या मम अभिजानति, भक्ति का मतलब यही है, प्रेम है ना। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या अपने चले, प्रेम से, प्रेम में शिष्टाचार इंक्लूडेड है ऑलरेडी, क्योंकि हृदय इतना सरल और कोमल हो जाता है कि वो शिष्टाचार का उल्लंघन कर ही नहीं पाता है चाहकर भी। हृदय इतना सरल हो जाए कि चाह कर भी ना कर पाए तो समझ लीजिए हृदय में शुद्धि अब हो रही है, नहीं तो अक्सर ये शिष्टाचार का उल्लंघन हमसे होता रहता है। हम साधना में, नियमों के पालन में बड़े पक्के होते हैं, लेकिन ये एक जनरल प्रॉब्लम है। सेवा हमारी बहुत परफेक्टली होती होगी, साधना बहुत परफेक्टली होती होगी, लेकिन शिष्टाचार ना होने के कारण हम भगवान को तुष्ट नहीं कर पाते, बहुत प्रयास में लग रहे थे। ऑल दो यदि हम साधना करेंगे तो धीरे धीरे हृदय होगा कोमल, वो भी एक तरीका ही है, वही तरीका है एक्चुअली में हृदय को कोमल करने का। लेकिन एक लक्षण बता रहे हैं हम आपको, शिष्टाचार एक ऐसा लक्षण है जिसे पता चलता है कि इस व्यक्ति का भगवान को कितना तुष्ट कर पा रहा है। क्योंकि एक 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 चीज़ और है कि जब हम भगवान को तुष्ट कर पाते हैं तो हमारा हम तुष्ट हो जाते हैं, जब हम तुष्ट हो जाते हैं तो शिष्टाचार अपने आप हो जाता है। शिष्टाचार का पालन कौन नहीं कर पाता? जो तुष्टि फील नहीं कर रहा है। शिष्टाचार कब नहीं होता? जब हम थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड, थोड़े से इरिटेटेड, थोड़े से हम थक जाते हैं किसी प्रोजेक्ट में, काम में, थोड़े छिड़छिड़े जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। बर्न कौन होगा? हमने सुना था ना हनुमान जी के पूंछ को जब जलाया गया तो हनुमान जी की पूंछ जलाई जा रही थी और उन्हें शीतलता महसूस हो रही थी, हनुमान जी ने बर्न आउट फील नहीं किया। बर्न आउट हम तब फील करते हैं जब हम तुष्टता का अनुभव नहीं कर रहे होते। तुष्ट कब होता है आदमी? जब वो भगवान को तुष्ट करता है। भगवान को तुष्ट कर कब होता है? जब वो शिष्टता का पालन करता है या आचरण, जब वो आचरण दिखाता है। ऐसा कौन सा आचरण? त्रिनाते भी सुनिश्चिन का आचरण, विनम्रता का आचरण, शिष्टाचार का आचरण, उससे भगवान प्रसन्न जाते हैं। और उससे हम कितनी भी सेवाएँ करते जाएँ, एक और एग्जाम्पल हम सुनते हैं कर्दम मुनि का, जो कि बहुत कड़ी तपस्या कर रहे थे जंगल में, और जनरली जंगल में ऐसी तपस्या करने के बाद आपका शरीर
बहुत ही कुरूप से हो जाता है। लेकिन बताते हैं कि कर्दम मुनि का शरीर बहुत ही सुंदर लग रहा था इतनी कड़ी तपस्या के बावजूद, क्योंकि वो भगवान का नित्य दर्शन कर पा रहे थे तो उससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही थी। तो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने से हम प्रसन्न होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं तो हम अपने आप शिष्टाचार का पालन करते हैं, क्योंकि संतुष्टि महसूस होती है ना। वरना हमेशा कॉम्पिटिशन, मैं ऊपर हूँ ये नीचे, दूसरों को सही साबित करने का एक होड़, द्वेष की जलन, ईर्ष्या की जलन, फॉल्ट फाइंडिंग की मुसीबत, ये हमें कभी प्रसन्नचित नहीं रहने देती। और इस कारण से हम लोग शिष्टाचार का पालन नहीं कर पाते, वैष्णव का मन दुखाते रहते हैं, भगवान को भी तुष्ट नहीं कर पाते, तो हम बर्न आउट जाते हैं थोड़े समय बाद, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। देन वी नीड अ ब्रेक, बहुत हो गया, थोड़ा दिन घूमने जाना चाहते हैं, बहुत हो गया ये साधना सेवा कंटिन्यूसली, हाँ बर्डन्ड फील कर रहे हैं, थोड़ी देर पहाड़ों में घूम के आते हैं, तो दैट मीन्स पहाड़ों की सतोगुण ये भक्ति से ज़्यादा हो गया इसका मतलब, तो फिर तो भक्ति करनी क्यों है, तो पहाड़ों में ना रह जाए, हाँ या कहीं चलते हैं, कहीं दूर एक ब्रेक लेके आते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, समुद्र के किनारे चलते हैं या कहीं और चलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील करते, तो इसका मतलब भक्ति में रिलैक्स फील नहीं कर रहे थे, एकदम भक्ति हमको बर्न कर रही थी। तो ये, और ये है सच्चाई है, भक्ति हमें बर्न कर रही है कई चीज़ें, क्योंकि हम शिष्टाचार नहीं कर रहे हैं, भगवान को तुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने को तुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, निरंतर इच्छाओं की ज्वाला, संसार दावन लीड लोक, भक्ति में आ गए हैं लेकिन हमने इच्छाओं को शांत करने का प्रयास नहीं किया, दोनों चीज़ें मिलना मुश्किल है। हाँ भोक्ताराम यज तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, भगवान भोक्ता हैं और भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपहत चेतसाम, अगर हमारे अंदर ये डिज़ायर्स जो हम पनपा रहे हैं इनको शांत नहीं करेंगे तो तुष्टता नहीं आएगी, उसके बाद क्या होगा, कॉम्पिटिशन, एनवियसनेस, फॉल्ट फाइंडिंग। जब आदमी एनवी करता है, कंपैरिजन करता है, तो फॉल्ट फाइंडिंग नेचुरल है। जब अपने को श्रेष्ठ मानता है तो फॉल्ट फाइंडिंग नेचुरल है, और उसके कारण फिर धीरे 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 ईर्ष्या और बहुत कुछ होता है। तो इस कारण से हम तुष्टता महसूस नहीं करते हैं, ये हम दिखा रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे सनातन गोस्वामी, तुमने मुझे तुष्ट किया है, क्यों, क्योंकि तुमने शिष्टाचार का पालन किया है, तुम्हारे अतिरिक्त इस उदाहरण को कौन दिखलाएगा, हमने ऐसा सुना नहीं कभी कि तुमने, क्योंकि इतनी जल्दी उठने का प्रण लिया है इसलिए तुमने मुझे तुष्ट किया है, मैंने भागवतम नहीं सुना, क्योंकि तुमने इतनी माला करने का प्रण किया है हे हरिदास ठाकुर, क्योंकि तुम 300,000 नाम जपते हो इसलिए तुमने मुझे तुष्ट किया है, ऐसा भी नहीं हमने सुना। हरिदास ठाकुर भगवान को बड़े प्रिय थे बिकॉज ऑफ उनके शिष्टाचार, अगेन सेम थिंग, तो हम ऐसा सुनते नहीं, लेकिन हमारा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फोकस चला जाता है इन चीज़ों पर, शिष्टाचार पर नहीं जाता, और बल्कि इन चीज़ों से हमारे अंदर घमंड आ जाता है इसी कारण से कि आई एम चैंटिंग सो मेनी राउंड्स, आई एम डूइंग सो मेनी सर्विसेस, इतनी तपस्या मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, तो इसलिए भगवान को तुष्ट हम नहीं कर पाएंगे, ये सब तो कर लेंगे। तो सनातन गोस्वामी के एग्जाम्पल से बड़ा सिंपल है, सरलता से भगवान को ऐसे प्रसन्न किया जा सकता है। एत बलि प्रभु तारे आलिंगन कैल, तार कंडू रसा प्रभुर श्री अंगे लागिल, ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया और सनातन गोस्वामी के शरीर के खुजली के घाव से रिसने वाली पस महाप्रभु के शरीर में लग गई। बार बार निषेधने धेन तबु करे आलिंगन, अंगे रसा लागे दुख पाया सनातन। यदि भी सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करने से बार बार मना किया, किंतु महाप्रभु ने फिर भी वही किया, अतः उनके शरीर पर सनातन से निकले, शरीर से निकली पस का लेप हो गया, इससे सनातन गोस्वामी अत्यधिक दुखी हो गए। ये जो, इसलिए वैष्णव का शरीर बड़ा दिव्य होता है हम कहते हैं, इसलिए उच्छिष्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब संसार में किसी को बोलो ये उनका झूठा है, अच्छा चलो झूठा तो लोग संसार में खा ही लेते हैं, हम देखते हैं, लेकिन बोला जाए इसमें उनका थूक है, जरा सा इस पर बताया जाए तो क्या नहीं खाना छोड़ो। और यहाँ पर हम देखते हैं वैष्णव का पद का जल, वैष्णव का उच्छिष्ट लोग ग्रहण करते हैं, भगवान का उच्छिष्ट हम ग्रहण करते हैं, भगवान का चरणामृत हम ग्रहण करते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर वैष्णव के शरीर से निकलने वाली पस को भी चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर में पूरा उसका लिप गया, वो पूरा लिप गया।
दिस इज एन एक्सेप्शन टू स्वच्छता. अब स्वच्छता के हिसाब से पाप पीप लग गया है तो अशुद्ध हो गए, हो गए कि नहीं? तो इस अशुद्ध अवस्था में हम कुछ कर पाएंगे? अब चैतन्य महाप्रभु तो अशुद्ध विचार आने पर भी गंगा जी में नहाने लगते थे. अब जनरली रूल है कि अब ब्लड निकल रहा है हम अशुद्ध हो गए. अब यहाँ पे तो पीप निकल रही है, उस पीप को उन्होंने अपने शरीर पे पूरा लेपन कर लिया उसका. ऐसा नहीं सुन रहे हैं इसके बाद. इसके बाद चैतन्य महाप्रभु भागे गंगा जी में और अपने को धोया. ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है. तो इसलिए उनके शरीर पर उनसे निकलने वाली पीप जो है उससे भी शुद्धिकरण हमारा हो सकता है. इसलिए कहते हैं कि नियम जो है भाव के ऊपर कभी नहीं आ सकते. सबसे सर्वोच्च चीज है शिष्टाचार और भाव. नियम इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग टू डू संसार में. हाँ, जानवरों के लिए नियम पालन करना मुश्किल है, लेकिन इंसान बनने पर नियम पालन करना आसान है. सारा संसार पालन कर रहा है, इतने नियम है संसार में रहने के, नहीं है? बिजली के, पानी के, सड़क में चलने के, स्कूल में जाने के, ऑफिस चलने के, नियम नियम दिन रात हर जगह नियम है. अब पालन कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन भाव कहाँ है? वैसे ही भक्ति में आने के बाद हम नियम का पालन करना तो फर्स्ट स्टेप है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं. लेकिन यही आखिरी स्टेप नहीं है. हम अक्सर नियमों का पालन तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन शिष्टाचार हम वैष्णव के हृदयों को पसंद नहीं कर पाते, क्योंकि हम नियमों में अटके रहते हैं. इसलिए इसको नियमाग्रह भी, नियमाग्रह के दूसरा मीनिंग यही है कि नियमों का इतना स्ट्रांगली पालन करना कि उसका मर्म ही भूल जाना कि अल्टीमेटली भगवान को, भक्तों को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है. इस उद्देश्य से देखा जाए तो सनातन गोस्वामी को तो अपने घर पर भी नहीं बुलाना चाहिए था. अरे पीप टपक रही है इस आदमी से, दूर रखो इसको, कैसे सेवा करी जाएगी ऑल्टर की? और यहाँ पर उनका गले लगाया जा रहा है, उनको, उनके पीप को शरीर पर धारण कर लिया जा रहा है. दिस इज भाव, इसको भाव. तो भाव हमेशा, इसीलिए सबुरी ने भगवान को झूठे भेर खिलाए. टेक्निकली टोटली रॉन्ग, लेकिन क्योंकि वो अब टेक्निकल से ऊपर चली गई थी, क्योंकि उसने नियमों का पालन कर करके बहुत ऊपर चली. नियमों का पालन कर रही कई सालों से. ऐसा नहीं है कि भगवान आएंगे तो ठीक है. नियमों का पालन, रोज़ सड़क साफ करना, रोज़ में जल छिड़कना, रोज़ में फूल जाना, सारे नियम करते 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 वो इतने ऊपर चली गई कि उसके बाद वो नियमों के ऊपर. तो पहले नियमों का पालन और फिर भाव. नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन भाव के बिना वो सब वेस्ट है. तो इसलिए यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें कैसे वैष्णव की प्रसन्नता से, शिष्टाचार से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉलोइंग रूल्स, बिकॉज रूल का पर्पज यही है, भाव पैदा करना. तो ऐसा कोई हमारा रूल नहीं है हमारी संप्रदाय में जो भाव के बीच में आ जाए. अगर कोई ये कहे कि नियमों के चक्कर में हम भाव नहीं ला पा रहे, वो भी गलत होगा. तो दोनों ही है आपको. वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कि वी आर फॉलोइंग द रूल्स, लेकिन एट द सेम टाइम हमें पता है कि असली फंडामेंटल रूल क्या है. वह है वैष्णव की प्रसन्नता और शिष्टाचार. शिष्टाचार से ही प्रसन्नता आएगी. एही मते सेवक प्रभु दुहें घर गेला, आर दिन जगदानंद सनातन ही मिलीला. इस तरह सेवक तथा स्वामी अपने अपने घर चले गए. अगले दिन जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी से मिलने गए. दुई जन वासी कृष्ण कथा गोष्ठी कैला. जगदानंद सनातन गोस्वामी पंडित तेरे सनातन दुख निवेदिला. अब जगदानंद जा रहे हैं जी उनके घर में, और जगदानंद पंडित सर सनातन गोस्वामी एक साथ बैठ गए और कृष्ण विषय कथाएं करने लगे. सनातन गोस्वामी ने जगदानंद पंडित से अपना दुख कह सुनाया. क्या दुख है सनातन गोस्वामी का? सनातन गोस्वामी का दुख है कि मैं अछूत हूँ, बीमारी से ग्रस्त हूँ, और चैतन्य महापुरुष मुझे गले लगा लेते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, बहुत दुखी हूँ मैं. हाँ, तो अपना दुख कह सुनाया. अब संसार में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमसे अगर कोई कुछ पूछे और हम अगर अपनी राय ना दें तो हम मूर्ख साबित हो जाते हैं. इसलिए हमें अपनी राय देना ही चाहिए, ऐसा हमें लगता है. मेरे दर में आया है, मेरे दरबार में इसने शरण ग्रहण करी है, तो क्यों ना कुछ राय दे ही दी जाए. हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ राय देने के लिए या नहीं, क्या मैं अथॉरिटी हूँ राय देने के लिए या नहीं. इसका मतलब आई एम सुपीरियर, दैट पर्सन इज इन्फीरियर, कई विचार हैं इसके अंदर. लेकिन हम फिर भी राय दे ही डालते हैं, चाहे वो
परंपरा के अनुसार हो ना हो, भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, मेरा हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। हाँ तो ऐसा ही कुछ यहाँ होगा। यहाँ आईला प्रभु रे देखी दुख खंडाई थे, ये बा मने तहाँ प्रभु ना दिला करी थे। यहाँ मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके अपना दुख कम करने आया था, किंतु महाप्रभु ने मुझे वह नहीं करने दिया जो मेरे मन में था। निषेधिता प्रभु आलिंगन करे न मोरे, मोरा कंडू रसा लागे प्रभु रा शरीरे। यदि मैं उन्हें ऐसा करने से मना करता हूँ तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरा आलिंगन करते हैं, जिससे उनके शरीर पर मेरी खुजली के घावों से निकली पस का लेप हो जाता है। अपराधा हय मोर नाही का निस्तार, जगन्नाथे ना देखिया ए दुख अपार। इस तरह मैं उनके चरण कमलों पर अपराध कर रहा हूँ, जिसके कारण निश्चय ही मेरा उद्धार नहीं होगा। अपने लिए ऐसे विचार करना सही बात है, दूसरे के लिए ऐसे विचार करना गलत बात है। देखिए अगर कोई दूसरा आके बोले, देखिए देखिए सनातन को देखिए कैसे पीप से भगवान को गंदा करता जा रहा है, अरे इट इज़ बिटवीन कृष्णा, बिटवीन चैतन्य महाप्रभु एंड सनातन गोस्वामी, हु आर यू टू पोक योर नोज। हम कौन है? लेकिन वही बोतल ना कि ज्ञानी हो ही जाता है इंसान, भक्ति से ज्ञान आ ही जाता है, तो कमेंट पास करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखे देखो क्या कर रहा है, देखो अब भगवान उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या कोई भक्त किसी की सर्विस को एक्सेप्ट कर रहा है, हम कहते हैं देखे 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 अपवित्र हो रहा है। तो ये जो है ना, ये बिटवीन उस भगवान और उस भक्त के बीच की बात है। अपने लिए व्यक्ति सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों करूं, ये नहीं कि अच्छा उसने भी किया तो फिर मैं भी करूंगा, इसका मतलब ये उल्टा, दिमाग हमारा उल्टा ही चलता हमेशा, उसको अलाउ किया मुझे अलाउ नहीं किया। देखिए ये हमेशा श्रेष्ठता का भाव, और हम हमेशा निम्नता के भाव के बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर निरंतर श्रेष्ठता का भाव होता है निरंतर, इसलिए हमें अपने विचार हमेशा ठीक लगते हैं। उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं किया जा रहा है, या वो ऐसा क्यों कर रहा है। अपने लिए सनातन गोस्वामी का विचार बहुत अच्छा था कि मैं उनके चरण कमलों पर अपराध कर रहा हूँ, साथ ही मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी नहीं कर सकता, ये मेरा महान दुख है। हित निमित्त आई लांग आमी हई ल विपरीते, की करिले हितन हया नारी निर्धा दीते। मैं तो यहाँ अपने लाभ के लिए आया था, किंतु मैं अब देखता हूँ कि मुझे ठीक उसका विपरीत मिल रहा है। मैं नहीं जानता, ना ही मैं निश्चित कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह से लाभ होगा। अब आए जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित ने कहा, पंडित कहे तोमर वास योग वृंदावन, रथ यात्रा देखी तहाँ करह गमन। जगदानंद पंडित ने कहा, देखिए तुम यहाँ पर रथ यात्रा करने के लिए आए थे ना, अब जाओ यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ ऐसा होगा ना, कई बार कोई व्यक्ति आएगा और बीच में अपना अचानक से वो वहाँ का लीडर बन जाएगा, बस जाओ हो गया, निकलो बस जाओ हो गया। तो इन्होंने कहा, तुम रथयात्रा देखने आए थे ना, अब जाओ क्या कर रहे हो यहाँ पर, वृंदावन तुम्हारे लिए सही जगह है, यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, यहाँ मत करो, यहाँ गंदगी मत फैलाओ, अब जाओ रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करने के बाद वहाँ पर लौट सकते हो, हाँ वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। प्रभु र आज्ञा हैया छे तुम दुई भाए, वृंदावन वैसे तहाँ सर्व सुख पाए। अब कह रहे महाप्रभु ने तुम्हें बोला था ना, तुम्हें बोला था कि नहीं कि तुम वृंदावन में जाके रहो, वहाँ पर तुम्हें सुख मिलेगा, वहाँ पर ये करो वो करो, हाँ तो तुम्हें पहले ही आज्ञा मिल चुकी है। के कार्य आईला प्रभु देख लेखिला चरण, रथे जगन्नाथ देखी करह गमन। यह आने का तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, क्योंकि तुम महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन कर चुके हो। ये टोटल डिक्लेरेशन दे दी, स्टेटमेंट पास कर दी, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्या हम जान लें कि महाप्रभु क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है? नहीं, आई एम 100% श्योर बट आई एम सेइंग, लेकिन श्रेष्ठता का भाव। इसलिए रथयात्रा में रथ पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद तुम जा सकते हो, पूरा बोल ही दिया उनको इंस्ट्रक्शन। सनातन कहे भाल कैला उपदेश, तहाँ याब सही मोर प्रभु दत्त देश। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, आपने मुझे बहुत अच्छा परामर्श दिया है, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, क्योंकि उस स्थान को महाप्रभु ने मेरे लिए रहने के लिए दिया है। अब ये कोई सीनियर वैष्णव बोल रहा है, अब चूंकि ये शिष्टाचार के भक्त हैं, इन्होंने उनकी बात को भी आज्ञा स्वरूप लिया। हालांकि ऐसे में हम अपने सीनियर से पूछ सकते हैं आज्ञा को लेने के से पहले कि क्या महाप्रभु आपकी, ऐसा मुझे बताया गया, आपकी क्या इच्छा है। तात्पर्य में प्रभु बताते हैं कि प्रभु दत्त देश पद अत्यंत सार्थक है। श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्ति संप्रदाय मनुष्य को एक स्थान पर बैठे रहने की अनुमति नहीं देता, अपितु सारे जगत में इसका विस्तार करने की शिक्षा देता है। यस, जैसा कि स्वयं
प्रभुपाद ने किया, एक जगह बैठे रहने का उपदेश नहीं देता। वी गेट वेरी सेटिस्फाइड भक्ति के नियमों का पालन करते हुए हम अपने घरों को चला रहे हैं। ध्यान रखिए, ये एक मिशन है, ये एक मूवमेंट है, इसमें हर किसी को मूव करते रहना है, नहीं तो जोर का झटका लगेगा। नहीं, एकदम से हिल जाएंगे, मूव करते रहेंगे तो झटका नहीं लगेगा, और झटके में हम मूवमेंट से बाहर हो जाएंगे और इस अनोखी मूवमेंट का पार्ट नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम हर किसी को मूव करना है, प्रचार करना है। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को वृंदावन में तीर्थ स्थानों का उद्धार करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, वहीं भक्ति संप्रदाय की स्थापना करने के लिए, पुस्तकों की रचना करने के लिए भेजा। इसलिए सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को उनके निवास स्थान के रूप में वृंदावन दिया गया था। और इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संप्रदाय की परंपरा के हर व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों को शिरोधार्य करके कृष्ण भावामृत का विस्तार करना चाहिए। वी शुड चैंट, वी शुड रीड एंड वी शुड प्रीच। उन्हें विश्व के सारे भागों में उन स्थानों को प्रभु दत्त देश अर्थात गुरु या कृष्ण द्वारा दिया गया निवास स्थान समझना चाहिए। हाँ, प्रभु दत्त देश यानी कि जिस चीज़ की आपको आज्ञा मिली है, जिस जगह की आपको आज्ञा मिली है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर प्रचार कीजिए, आप ये कीजिए। गुरु तो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जो अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है वह कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन कर रहा है। श्री चैतन्य भक्ति संप्रदाय को सारे विश्व में फैलाना चाहते थे। हाँ, पृथ्वी यते आच्छे नगर यते नगर आदि ग्राम, इसलिए कृष्ण भावनामृत की परंपरा के लोगों को विश्व के विभिन्न लोग भागों में जाकर गुरु के आदेश का प्रचार अनुसार प्रचार करना चाहिए। इससे चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होंगे। आगे चलते हैं। एत बलि दुए निज कार्य उठी गेला, आर दिन महाप्रभु मिली बारे आईला। इस तरह बातें करके सनातन गोस्वामी तथा जगदानंद पंडित अपने अपने कार्यों पर लौट गए। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास तथा सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आए। हरिदास कैला प्रभु चरण वंदन, हरिदासे कैला प्रभु प्रेमालिंगन। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार किया और महाप्रभु ने प्रेमावेश में उनका आलिंगन किया। दूर हिते दंड प्रणाम करे सनातन, प्रभु बोलाया बार बार करिते आलिंगन। सनातन गोस्वामी दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं और डर रहे हैं, ओ ना मुझे खींच लेंगे, नहीं नहीं नहीं, दूर से प्रणाम कर रहे हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको खींच के उनका आलिंगन करने के लिए अपने पास बुलाया। अपराधे भय ते हाँ मिली ते ना आईला, महाप्रभु मिली बारे सही ठाई गेला। अपराध करने के भय से सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आगे नहीं आए, किंतु महाप्रभु उनसे मिलने आगे बढ़े। सनातन भागी पाछे करे न गमन, बलात्कारे धरी प्रभु कैला आलिंगन। सनातन गोस्वामी पीछे हट गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और उनका आलिंगन कर ही लिया। दुई जन लइया प्रभु वसीला पिंडाते, निर्विण न सनातन लागीला कही थे। महाप्रभु दोनों को अपने साथ लेकर एक पवित्र जगह पर बैठ गए और तब वैराग्य मुन्नत सनातन गोस्वामी बोलने लगे। अब सनातन गोस्वामी क्या बोले? हित लागी आइनु मुई हैला विपरीत, सेवा योग्य नहीं अपराध करो नीति नीति। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ अपने लाभ के लिए आया था, किंतु मैं देखता हूँ कि उल्टा ही हो रहा है, मैं सेवा के अयोग्य हूँ, मैं दिन प्रतिदिन अपराध ही कर रहा हूँ। सहज नीच जाति मुई दुष्ट पापा शया, मोरे तुम्हें छुड़ी ले मोरा अपराध हया। मैं स्वभाव से निम्न जन्मा हूँ, मैं पाप कर्मों का प्रदूषित जलाशय हूँ, यदि आप मुझे छूते हैं तो मेरे लिए इससे बहुत बड़ा अपराध होगा। ये ऊपरी बातें हैं वास्तव में, यही हम समझ नहीं पाते हैं। हाँ, कई बार ज़्यादा शिष्टता भी समस्या है। हाँ, ऐसी शिष्टता जो मैं भगवान और भक्तों से दूर कर दे, सेवा से दूर कर दे, ऐसी शिष्टता की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, नहीं मैं तो अछूत हूँ, नहीं मैं तो अशुद्ध हूँ, दूर ही रहूँगा, सबसे दूर ही रहूँगा। अब ऐसे में कन्फर्मेशन चाहिए, क्या वैष्णव हमारे भगवान क्या चाहते हैं, महाप्रभु चाहते क्या है वास्तव में? हम नियमों का पालन तो कर रहे हैं, हाँ शिष्टता भी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी शिष्टता भगवान को प्रसन्न कर रही है? क्या वो भी यही चाहते हैं? ऐसा विचार करा जाए तो कोई भी विदेशी लोग जो बाहर में भगवान के इतने शुद्ध भक्त बने, वो प्रचार कर ही नहीं पाते। नहीं नहीं, हमारा जीवन तो ऐसे बीता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ दूसरों को नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, जब मैंने पूरे जीवन में यही किया था, अब मैं कैसे बोल सकता हूँ इसके बारे में? ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान का आदेश है कि अमार आज्ञा गुरु है सार तार यही देश। सबको सबको गुरु बनने का आदेश दिया जा रहा है। आप प्रीच कीजिए, कोई बात नहीं, आपका इतिहास कैसा था उसको 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 हमने जला दिया है।
तो अगेन मेरा मतलब है हमें हमेशा वी नीड टू कन्फर्म, ऐसी शिष्टता का भी कोई लाभ नहीं है कि हम सबसे दूर दूर हो जाएं अपने आप ही, ऐसी निम्नता का, निम्नता में हम निम्न समझते रहें, होड़ ना लगाएं, कंपटीशन ना करें, ईर्ष्या ना करें, इतना ही बहुत है भक्तों के बीच में, उनकी सेवा किस तरह से करते रहें। लेकिन यहाँ पर सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं यहाँ लाभ प्राप्त करने आया था, यहाँ तो मेरा नुकसान हो रहा है। अब नुकसान हो रहा है कि नहीं, ये तो चैतन्य महाप्रभु बताएंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उनको एक एडवाइस भी मिल गई है जगदानंद पंडित से कि आप चले जाओ, अब उनका कमिटमेंट और ज़्यादा हो गया है जाने का। हाँ, अब भगवान की इच्छा के बिना ऐसी निम्नता का क्या फ़ायदा, हम भगवान से दूर जा रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं साथ में रहो, नहीं नहीं मेरा शरीर दूषित है, नहीं नहीं ये है, नहीं नहीं ये समस्या है, तो मैं स्वभाव से निम्न जन्मा हूँ, पापों का पाप कर्मों का प्रदूषित जलाशय हूँ, आप मुझे छूते हैं तो बड़ा अपराध होता है। ताहते हमारे अंगे कंडू रस रक्त चले, तोमार अंगे लागे प्रभु स्पर्श तुम ही बले। तिस पर मेरे शरीर के खाज के घावों से जो खून बह रहा है, कितनी गंदी वस्तु है, आपके शरीर में लगता है फिर भी आप मुझे छूते हैं, बताइए। आप तो स्वच्छता के एक एग्जाम्पल हैं, स्वच्छता धर्म का पिलर है, और आप स्वच्छता के एक एग्जाम्पल हैं, हे कृष्ण हे चैतन्य महाप्रभु, आप इस गंदी पीप को छूते हैं, मेरे शरीर को छूते हैं, ये कौन सा नियम का पालन कर रहे हैं आप। विभक्त स्पर्श सीते ना कर घृणा लेशे, यही अपराध मोरा हबे सर्वनाशे। हे महोदय, मेरा शरीर भयावह स्थिति में है, फिर भी उसका स्पर्श करने में आपको त्रिणिक भी घृणा नहीं होती, इस अपराध के कारण मेरे लिए प्रत्येक मंगल समाप्त हो जाएगा। इसलिए भक्ति में नॉर्मल नियम चलते नहीं है, नॉर्मल नियम चलते हैं कर्म कांडों में। एक भक्त नहीं जानता है पंडित जी कितने प्रकार का आचमन करते हैं, पंडित जी क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी भक्त भगवान को प्रसन्न कर लेता है अपने हृदय से, हृदय की निम्नता से, शिष्टाचार से, जो आज हम सुन रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नॉर्मल नियम के हिसाब से तो ये गलत है, समझने का नॉर्मल नियम तो कर्मकांड और भक्ति में बड़ा अंतर है। इस अपराध के कारण मेरे प्रत्येक मंगल समाप्त हो जाएगा। ताते यहाँ रही ले मोरा नाह या कल्याण, आज्ञा देह रथ देखी यंग वृंदावन। इसलिए मैं देखता हूं कि यहां रुककर कोई भी मंगल नहीं कर पाऊंगा। सबसे बड़ा मंगल है कृष्ण को प्रसन्न करना, यदि वो प्रसन्न हो रहे हैं तो जो अमंगल हो रहा है होने दीजिए, यदि हम बार बार नरक में भी गिरते हैं तो गिर जाएं, यदि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो कृपया मुझे रथ यात्रा उत्सव के बाद वृंदावन लौट जाने की अनुमति का आदेश दें। जगदानंद पंडित आमी युक्ति पूछीला, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई। वृंदावन यही तेहा उपदेश दिला, मैंने जगदानंद पंडित से उनका मत जानने के लिए परामर्श लिया था और उन्होंने भी वृंदावन जाने का परामर्श दिया है। अब ये भी सो कॉल्ड चौधरी जी एक्सपोज्ड हो गए यहाँ पर, अभी तक वो सेफ थे, अब वो चौधरी जिन्होंने बीच में एडवाइस दे डाली थी वो फंस गए, क्योंकि इन्होंने बोला ये जगदानंद पंडित जी ने भी ऐसे ही बोला करने को, अब क्या होता है। ये तो सुनी महाप्रभु सरोष अंतरे, जगदानंद क्रुद्ध हैया करे तिरस्कारे। क्या सुनकर क्रोध में आकर एकदम से क्रोध आ गया चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित की भर्त्सना करने लगे। चैतन्य महाप्रभु जो किसी की भर्त्सना नहीं करते हैं, सबका गुणगान करते हैं, यहाँ पर क्रोध में आ गए और उनकी भर्त्सना करने लगे। क्या बोला सुनिए, कालीकार बटुया जागा एछे गर्वी हैला, तोमा सबा रेह उपदेश करी तेला गीला। जगा यानी कि जगदानंद पंडित, जगा अभी केवल छोकरा है, अब छोकरे नहीं है वास्तव में, तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कह रहे हैं अभी तो छोकरा है, किंतु इतना गर्वीला हो गया है कि अपने आप को तुम जैसे व्यक्ति को उपदेश देने के सक्षम मानता है। ओहो, क्या बोल दिया, ये जगदानंद तुम्हारे सामने है क्या हे सनातन, वो इतना सीनियर बन गया है कि तुम्हें उपदेश दे रहा है और तुम्हें कुछ करने को बोल रहा है। तो ये वास्तव में बड़ी सीखने वाली बात है, जैसा हमने बताया हम तो एकदम से ऐसा लगता है कि सब लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर के पास लोग आते हैं ना रोज, और डॉक्टर बस कंटिन्यूसली सलाह देता रहता है ऐसा कीजिए, जी डॉक्टर साहब जरा सा, डॉक्टर साहब ये मैं डॉक्टर मैं हूँ आप हो, जी डॉक्टर। तो ये जो भाव है सबके अंदर है, हाँ डॉक्टर तो हम लोग नहीं बन पाए लेकिन अब कुछ तो ज्ञान हो ही गया है, इसलिए जो भी आएगा उसको सलाह, नहीं मेरे हिसाब से गलत है, नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, नहीं मेरे हिसाब से गलत ना, चलो ये कर लो,
विदाउट थिंकिंग एम आई अथॉरिटी और नॉट, क्या मैं इतना खुद पवित्र हूँ, मेरे को दो चार नियम पता चल गए हैं, हाँ, लेकिन क्या मेरा भाव इतना पवित्र है वो बिना सोचे हुए। तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं जगदानंद पंडित बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, लेकिन ये पूरी लीला इस तरह से यहाँ पे करी गई। जगह केवल छोटा छोकरा है, इतना गर्वीला हो गया है कि तुम्हें उपदेश देने का सक्षम मानता है। व्यवहार है परमार्थ तुम्हें तार गुरु तुल्य, तुम्हारे उपदेश न जाने आप न मूल्य। अध्यात्म उन्नति के मामले में तथा सामान्य व्यवहार में भी तुम उसके गुरु तुल्य हो, फिर भी वे अपने मूल्य को ना जानते हुए तुम्हें परामर्श देने का दुस्साहस करता है। हाँ, ऐसे परामर्श भगवान को बड़े दुखी करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं इसमें, क्योंकि निम्नता का भाव भी नहीं है, प्लस आपने बीच में इंटरवेन कर दिया विदाउट जाने कि हमारी अथॉरिटीज हमारे सीनियर्स क्या चाहते हैं। आपने कुछ अपना ही दे डाला, कुछ निर्णय दे डाला, उसके उससे उसके जीवन में कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है बिना ये सोचते हुए। हाँ, तो इसलिए अगर हमें कभी कोई ऐसी एडवाइस मिले, हमें मिले अगर, तो हम तो उसको सुन लें प्रेम से, जैसे सनातन गोस्वामी ने सुना, लेकिन अपने सीनियर से उसको कन्फर्म कर लें बड़े तरीके से। यहाँ पे थोड़ा गलत तरीके से हुआ, यहाँ तो ऐसा बोला गया मैं जाना चाहता हूँ मुझे आज्ञा दीजिए, जगदानंद पंडित भी ऐसी कहते हैं, अब ये बात थोड़ी बिल्कुल गड़बड़ सी हो गई। ये सिर्फ हमें सिखाने के लिए, हम निर्णय लेके पहुँचते हैं और साथ में किसी और की ने कुछ राय दे दी तो उसको भी सपोर्ट। अब कितने लोग राय देते हैं राय देने में, तो इसलिए राय देने से बचिए। यदि कोई राय देता है तो उसको ले लीजिए, देता है तो, और उसको अपने सीनियर से पहले कन्फर्म कीजिए। इस तरीके से हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये चलेगा, हम सुनेंगे कैसे इसमें आगे क्या क्या होता है और इसमें हमें और क्या सीखने को मिलता है। इसलिए देयरफॉर चैतन्य चरितमानस इज अ प्रैक्टिकल हैंडबुक, कैसे जीना है, कैसे भक्ति करनी है, अदरवाइज हमसे बहुत सारे अपराध होते रहते हैं। तो इन अपराधों से बचिए और सरलता निम्नता की भक्ति कीजिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितमानस की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।